माय नेम इज़ राजू, आप देख रहे हो आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचती रही है। ठीक है, हम आपके लिए लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, और आपको हमारे चैनल पे जॉब सर्च करने के लिए कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सीधे प्लेलिस्ट पे बटन पे क्लिक कीजिए, हमने अलग से कॉलम बनाया है लेटेस्ट जॉब वैकेंसी। रोज हम यहाँ पे अलग अलग लेटेस्ट जॉब डालते रहते हैं, प्लीज़ चेक करते रहिए। और आपको हमसे कोई भी डाउट रहेगा, अगर कोई भी आपका एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ हमें अबाउट सेक्शन पर क्लिक करें, हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए। ठीक है, हम इंस्टाग्राम के आपके पूछ सकते हो हमसे, आपके जो भी डाउट रहेंगे सारे हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल ही जाएगा हर वीडियो के। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे जो कि स्कूल स्किल्स और एजुकेशन राजस्थान हुकुमचंद पाटीदार टू डिजाइन द न्यू सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सारे इन्फॉर्मेशन देखिए, डिटेल में देखिए, चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के हुकुमचंद पाटीदार एक किसान स्कूल ड्रॉप आउट देश की कृषि विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने वाली टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। स्किल्स और एजुकेशन की इस किसान की सफलता की कहानी कई लोगों की प्रेरित करेगी। पाटीदार को जैविक खेती में अनेक उनके काम के लिए 2018 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। स्किल और एजुकेशन की प्रेरक कहानी में राजस्थान के किसान हुकुमचंद पाटीदार घर घर में जाना पहचाना नाम बन रहे हैं। उनकी सफलता की कहानी निश्चित रूप से कई लोगों को प्रेरित करेगी क्योंकि यह स्कूल ड्रॉप आउट अब खेल का नेतृत्व करेगा और देश के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करेगा। हुकुमचंद पाटीदार को सभी कृषि विश्वविद्यालय के लिए जैविक खेती पर पाठ्यक्रम संरचना को संशोधित करने की डिजाइन करने के लिए शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के साथ एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। किसान के विश्वपेक्षा और क्षेत्र में विक्षेपज्ञा ने इस स्थान तक पहुंचने और इस क्षेत्र में शिक्षा के भविष्य का फैसला करने के लिए प्रेरित किया है। उनका खेती का काम आज लाखों का है, लेकिन अगर उनके इतिहास नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है कि पाटीदार 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा छोड़ दी और केवल खेतों में काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। अकाब्रिनिक खेती की समस्या को देखते हुए इस आदमी ने कड़ी मेहनत और की और यह सुरक्षित करने के लिए नए तरीके पेश किए। उपज केवल जैविक तरीकों से उपग्न है। राजस्थान के जालवागढ़ के जिले में के अपने प्रेतवे गांव में मानपुरा में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए हुकुमचंद पाटीदार 2018 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्होंने अपनी जमीन के अधिकांश जैविक उत्पादकों का निर्यात करने के अपने गांव और काम को जापान और जर्मनी में भी प्रसिद्ध किया देश के। ठीक है, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।